दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है, तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि मैं दीनी आदमी नहीं था, मैं उस रास्ते पे हमेशा नहीं था। मेरी माँ खास तौर पे, मेरा बाप भी, लेकिन मेरी माँ सारा वक्त बचपन से मुझे कहती थी कि सोने से पहले कि अल्लाह से दुआ करो सीधे रास्ते पे लगाए। अब मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर हीरोज होते थे, हमारे स्पोर्ट्स स्टार होते थे, वो हमारे हीरोज होते थे। तो वालदा कह रही थी अल्लाह कहे सीधे रास्ते पे लगा, और जो हमारे हीरोज थे वो दूसरे रास्ते पे लगे हुए थे। ये आपके सामने भी आएगा, ये एक बड़ा रास्ता लगता है जी जबरदस्त है, वो दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है, तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। जो आपको मिराज लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, और मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है, तो मैं अगर आपके सामने कह सकता हूँ जिसने हर किस्म की जिंदगी के देख के आपको बता सकता हूँ, तो दो रास्ते, जो रास्ता हम चाहते हैं, जो हमें अल्लाह कहता है कि उस रास्ते पे जो हम दुआ मांगते हैं वो रास्ता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। इसके लिए आप सबको उनकी जिंदगी जरूर पढ़ना चाहिए, और जब आप उस जिंदगी के ऊपर अपने किरदार को उस तरफ लेके जाएंगे, आप खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे माशरे में।